हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एसी क्रिएशन यूट्यूब चैनल, जिस पर एडिटिंग की बहुत सारी जानकारी दी जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरे डेली वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। अभी आपने देखा कि जो मेरा इंट्रो वीडियो था अनिल नाम का स्मोक इफेक्ट में, वो कैसे बनाया जाता है। तो आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद डिस्प्ले चूज़ करना है। मैं एक नंबर का डिस्प्ले चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जाना है मीडिया में। मीडिया में जाके आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ओके, तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर कर लेने वाला हूँ। आप क्या आपको पसंद हो तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ड्यूरेशन मैं बढ़ाऊँगा 6 माइक्रो सेकंड का। फिर मीडिया में नहीं, टेक्स्ट में जाने का। आपको टेक्स्ट में जाने के बाद आप अपने नाम का बना सकते हैं, यूट्यूब नाम का बना सकते हैं, फ्रेंड के नाम का बना सकते हैं, आप जो चाहे जिसके नाम का भी वीडियो बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल में मेरा नाम ले रहा हूँ। ओके, तो इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको उसको फ़ॉन्ट देना है। अगर अलग अलग फ़ॉन्ट रहते हैं आपके पसंदीदा फ़ॉन्ट, जो कुछ भी है आप उसे चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये चूज़ किया है तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापस जाऊँगा फ़ॉन्ट में जाके ये वाला देखता हूँ। ना, ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। चलो फिर देवनागरी का फ़ॉन्ट देखेंगे कुछ। तो चलो ये एक्स्ट्रा बोर्ड कुछ, हाँ ये कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट रख रहा हूँ। इसको रखने के बाद आपको करना क्या है कि इन एनिमेशन जाना है। अब इसको एनिमेशन थ्रू दिखाना है आपको। तो इन एनिमेशन जाने के बाद आपको वाइप राइट है, जो कि वाइप राइट है उसको क्लिक करना है और उसका ड्यूरेशन टाइम आपको रखना है 2.5। आपके एडजस्टमेंट अनुसार आप रख सकते हैं। तो मैं रखूँगा 2.5 सेकंड का। फिर वही टेक्स्ट के फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे। लेयर को लेंगे, लेयर में जाने के बाद इफेक्ट लेना है आपको। इफेक्ट जो है बेसिक इफेक्ट लेना है। बेसिक में ब्लर का जो पहला ऑप्शन है वो लेना है। फिर जाना है आपको क्रॉपिंग में। क्रॉपिंग में जाने के बाद आपको जो उसका थोड़ा साइज कम करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जाएंगे मास्क में। मास्क को ओपन करेंगे, वो जो कुछ भी सिलेक्ट किया मैंने आपको करना है। फिर आपको करना क्या है कि उस फिर लेयर को पकड़ कर की का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा लेयर जो है वो आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद फिर से वो जो क्रॉपिंग किया वाला जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है उसको भी की करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप भी ये बनाना सीख सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच बीच में स्किप ना करें। सेम वही प्रोसेस है, की को क्लिक करना है, लेयर को आगे बढ़ाना है, जो भी फाउंड है सभी फाउंड को आपको ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वीडियो और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा जो ब्लरिंग का इफेक्ट जो दे रहा हूँ मैं, वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। उसको लेंगे लास्ट में। लास्ट में लेने के बाद फिर से एक बार की का बटन ओके करेंगे। फिर से लेयर को पकड़ेंगे, वही लेयर ब्लर वाली लेयर को। फिर जाएंगे क्रॉपिंग में। क्रॉपिंग में जाके फिर से जो फेदर है उसको पूरा बढ़ा देने का है, 50 का फेदर कर देने का है। फिर वापस टेक्स्ट के लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे आने का है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद वैवी वार 2.0, थोड़ा मेरा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, समझ जाएगा। अगर वो जो आपके पास नहीं है इफेक्ट, तो आपको उसके स्टोर में जाने का है। स्टोर में जाने के बाद आपको वापस देखना है कि वो जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये रहा मेरा वार्प 2.0, मेरा इंस्टॉलेड है। अगर आपके पास नहीं है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है पेड है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो आपको उसको पे करना है। तो मैंने इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसका भी वही ब्लरिंग की जैसा ही सिस्टम है। इसको भी मार्क्स इनेबल करने का है, जो चौकन उसको पकड़ने का है, और फिर से क्रॉपिंग में थोड़ा सा छोटा कर देने का, एक एक लेटर उसमें अच्छी तरह से बिठा कर। ओके, तो मेरा ए जो पहला लेटर है उसको मैंने बिठा लिया है। फिर से लेयर को क्लिक करूँगा, उसको चाबी लगाऊँगा। सिंपली जैसे आपको मैंने ब्लरिंग में किया था वैसे ही आपको इसके इसी ऑप्शन में करना है। ओके, तो आप देखते रहिए कि मैं ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ। फिर से थोड़ा आगे लेना है, की को क्लिक करना है, क्लिक क्लिक देन की। फिर से मैं लेयर को आगे लेके जाऊँगा, फिर इसका वो वाली लेयर आगे लाऊँगा, फिर चाबी लगा दूँगा,
थोड़ा डेट हो गया मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे कैसे स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आपको अगर आप मेरे पूरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्रॉपिंग में जाना है, इसका भी फायदा पूरा पड़ा जाएगा। अब तो हमारा ये जो काम हो चुका है, आपके ऊपर लाना है स्मोक इफेक्ट। स्मोक इफेक्ट मैंने डाउनलोड की चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये स्मोक इफेक्ट चाहिए तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपके हिसाब से उसको फिर स्मोक की साइज़ बड़ी कर देनी है। बड़ी करने के बाद उसको ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करना है। स्क्रीन का ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से वो वीडियो चल रहा है, लेकिन मेरा जो स्मोक है थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच से नहीं निकल रहा। तो मैं फिर से उसका क्या करूँगा, मैं थोड़ा साइज़ जो है वो कम कर दूँगा। कम करने के बाद मेरा एडजस्टमेंट के अनुसार उसको रख दूँगा। तो ये वाला कुछ मुझे अच्छा लगा है तो मैं इसको फाइनली चूज़ कर दूँगा। तो देखिए इस प्रकार से मेरा जो वीडियो है तैयार हो चुका है। अब इसको शेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट का वेट करना है। तो ये अभी चल रहा है मेरा एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट। हाँ मालूम है टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी देखिए मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको एमएक्स में चला के देखूंगा। फिलहाल मैंने इस वीडियो में साउंड नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड साउंड भी आए तो आप उसको डाल सकते हैं मेरे पिछली वीडियो देखकर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें, और इस YouTube चैनल को मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार हमेशा बना रहे।